हेलो भाई, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा जो है न्यू सेशन चलता है, न्यू चैप्टर सर्किट बारे में, यानी कि परिपथ। हाँ, उसके बारे में आप लोग हम डिटेल से पढ़ाएंगे, जो कि उससे कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 7, परिपथ यानी कि सर्किट। ठीक है, परिपथ क्या होता है, उसके मुख्य घटक क्या होते हैं, ये कितने टाइप होते हैं। आइए उस सेशन को हम विस्तार से पढ़ते हैं यानी कि रीडिंग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए हम इस पर टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेबल है, यानी कि ये पार्ट जो हमारा सारा है टेबल है। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं परिपथ यानी सर्किट क्या होता है। ठीक, एक्चुअली में देखा जाए सर्किट बहुत जगह में सर्किट डिजाइन वगैरह करते हैं यानी कि ड्राइंग करते हैं, उस तरीके से हम सर्किट बताते हैं कि सर्किट क्या होता है। आइए बात करते हैं। सर्किट किसी विद्युत धारा का या प्रवाह के लिए तैयार किया जाता है। यह बंद एवं पूर्ण मार्ग यानी कि यह बंद परिपथ में रहता है और पूर्ण परिपथ में भी सर्किट को इसी भाषा में कहलाते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंद एवं पूर्ण ऐसे परिपथ होते हैं जो हम उस सर्किट पर विस्तार से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट जैसे हम आपको यहाँ लिखता हुआ दिख रहा है, मेन पार्ट ही हमारा है। तो देखिए, जो हमारा सर्किट है, देखिए ये हमारा टेबल है, टेबल ऑफ कंपोनेंट। ये हमारा टेबल जो दर्शाता है, हमारे सर्किट की कंपोनेंट पर दर्शाता है। देखो, जो हमारा परिपथ की प्रकार होता है, 1.1.0.1, ये हमारा क्या है, परिपथ के प्रकार है। ठीक है, इसे और बंद परिपथ और लीकेज परिपथ के क्या होता है, 1.0.11.01, ये हमारा क्या है, बंद परिपथ है। और हमारा लीकेज परिपथ क्या होता है, लीकेज परिपथ होता है 1.0.1.2.4.4.01.04, ये हमारा क्या है, लीकेज पॉइंट, लीकेज परिपथ है। ठीक है, तो इससे क्या, बहुत से एग्जाम में या गवर्नमेंट एग्जाम या आपका कोई भी थ्योरी एग्जाम हुआ तो उसमें पूछता है कि टेबल बनाइए उस कंटेंट का जो हमारे सर्किट पर आधारित है। ठीक है, तो ये टेबल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कह दे कि सर्किट पर कोई भी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो जैसे बता दिया कि सर्किट के टेबल बनाइए, तो कैसे बनाए, ये जो टेबल अगर याद रहेगा आपको बना लेंगे, तो यही टेबल हमारा मुख्य घटक कहलाता है। ठीक है, तो जो अब इसके परिपथ के मुख्य पार्ट होते हैं यानी कि सर्किट के मेन पार्ट। ठीक है, तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सर्किट के मेन पार्ट क्या होता है, ये चार मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सप्लाई स्रोत होता है, दूसरा होता है चालक होता है, और तीसरा होता है सुरक्षा युक्त होता है, और तीसरा नियंत्रण नियंत्रक युक्त होता है। पहला हम बात करते हैं सप्लाई स्रोत के बारे में। ठीक है फ्रेंड, सप्लाई स्रोत में इसमें क्या रहता है, इसमें एसी आता है, डीसी आता है, उस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारा 240 वोल्ट के क्या आता है। अगर इसमें सप्लाई की बात करें तो हमारा एसी फंक्शन है, किसमें, एसी फंक्शन अगर बात करें सप्लाई स्रोत में, तो हमारा ये 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट की सप्लाई देता है। ओके फ्रेंड, 240 या 220 या 240 के बीच में वोल्ट की सप्लाई देता है। ठीक है, और हम डीसी में क्या, डीसी में अगर डीसी सप्लाई में स्रोत करें तो क्या होता है, इसमें पावर सप्लाई देता है। डीसी में क्या देता है, ये सप्लाई जो है हमारा डीसी फंक्शन में क्या करता है, डीसी फंक्शन हम पावर सप्लाई देते हैं, डीसी परिपथ में पावर सप्लाई देते हैं और एसी फंक्शन में 220 वोल्ट के सप्लाई देते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि सप्लाई स्रोत कि में एसी 220 वोल्ट कराती है और डीसी में क्या होता है, डीसी में पावर सप्लाई देता है, बस और कोई इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट हमारा क्या, कंडक्टर यानी चालक। चालक के, चालक में क्या होता है, चालक में कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। चालक में जैसे मान लीजिए वायर हुआ, ठीक है, तार हुआ या केबल हुआ, तो इसमें क्या, किसमें पाया जाता है, ये कंडक्टर हमारा है, ये क्या कहलाता है, कंडक्टर। वायर, तार,
एवं केवल। ये हमारा क्या है, यह हमारा कंडक्टर है यानी कि चालक है, ठीक है। वायर अगर देखते हैं, तार देखते हैं एवं केबल देखते हैं, ये हमारा किस में आता है, चालक में आता है यानी कंडक्टर में आता है। अब सुरक्षा युक्ति क्या होता है, सुरक्षा युक्ति में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं भी जाते हैं, कोई इंडस्ट्री वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई सेफ्टी वगैरह के लिए कोई भी डिवाइस लगाते हैं ना, तो उसी कहते हैं सेफ्टी डिवाइस। एक होता है, एक कट आउट होता है। अगर सुरक्षा की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उसी इंडस्ट्री में जाने से पहले कोई भी वर्क करने के लिए हम अपने सुरक्षा के लिए कोई कुछ ना कुछ चीज़ें लगाते हैं ना, उस तरीके से हमारा क्या होता है, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी परिपथ में क्या होता है, सुरक्षा युक्त क्या क्या चीज़ें लगाई जाती है, सुरक्षा युक्त के लिए सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है, क्या एक होता है हमारा सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्या करता है, कोई भी चीज़ें होता है उसे सुरक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सुरक्षा करने के लिए क्या उपयोग किया जाए, जैसे कटआउट हुआ, क्या किया, कटआउट फ्यूज, ठीक है। कटआउट फ्यूज हो गया, ठीक है। ये हमारा किसमें आता है, सुरक्षा युक्ति में क्या आता है, कटआउट फ्यूज एंड एमसीबी। एमसीबी जो होता है हमारा क्या करता है काम, इलेक्ट्रिसिटी की सुरक्षा करता है ना, यानी कोई भी इक्विपमेंट अगर है हमारे हमारे हाउस या हमारे घर पर या किसी भी इंडस्ट्री वगैरह, तो उसके लिए हम कटआउट फ्यूज लगाते हैं ना, एमसीबी भी लगाते हैं, तो हमारा क्या करता है, यह हमारा इलेक्ट्रिसिटी को सुरक्षा देता है। तो उसी के अनुसार हम इसमें यानी कि सुरक्षा युक्ति में प्रदान करते हैं, ठीक है, कटआउट फ्यूज एंड एमसीबी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है। नियंत्रक युक्ति क्या है, नियंत्रक युक्ति में क्या होता है, किस चीज़ का नियंत्रण करता है, ऐसा का क्या चीज़ है, इक्विपमेंट जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रण करता है, बताइए। एक होता है हमारा कोई भी चीज़ें, वही रेगुलेटर वगैरह करते हैं तो उसके नियंत्रण करता है ना, फाइन वगैरह उसके नियंत्रण करता है ना, उसी तरीके से हमें कोई भी ऐसे नियंत्रण युक्त यानी कि जो हमारा कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रण करता है, तो उसी के अनुसार हमें जैसे क्या चीज़ कंट्रोल करता है, लाइट हो गया, पंखा हो गया, और क्या चीज़ होता है, जैसे और होता है हीटर, फ्रिज इत्यादि, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है जो कि हमारा क्या नियंत्रण करता है, किस पर नियंत्रण करता है, इस सब चीज़ों को नियंत्रण, इस सब चीज़ों की इक्विपमेंट पर नियंत्रण करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये नियंत्रण युक्ति कहलाती है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है ना, अगर हमारा रेगुलेटर जो रहा है हमारा लाइट कंट्रोल कर देता है, और फाइन के भी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट रहता है उसमें नियंत्रण युक्ति लगाई जाती है, ठीक है। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्या है हमारा, एक जो पांच ऐसे मुख्य घटक होते हैं जिनका उपयोग किसी भी परिपथ में किया जाता है। ये जो पांच उपयोग यानी कि ये जो चार हमारा चार सुरक्षा है यानी कि मेन पार्ट है, ये हमारा किसी भी यानी कि कोई भी घटक ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कोई भी परिपथ में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो आइए आप लोग लिख लीजिए, नोट करते रहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर दोबारा भी देख सकें, नोट रहेगा था नोट तो बनता जाएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ें अगर ना समझ आए दोबारा देख सकते हैं, तो बारी बारी साथ आप लोग समझ आते हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हमारा देखिए ये नेक्स्ट हमारा है, एक कंप्लीट इन सर्किट वाई दी यूजिंग ऑल दी 05 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये पांच प्रकार की इंपॉर्टेंट होती है जो हमारा सभी परिपथ में कार्य करती है, ठीक है। आइए उस पर बेसिक से आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो आइए इस पर हम, ठीक है फ्रेंड, इसमें देख ही रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये 0.5 पांच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में सही परिपथों में उपयोग की जाने वाली इक्विपमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कटआउट है, ये भी कटआउट है, और ये हमारा स्विच है, और ये बल्ब है, ठीक है। ये क्या है हमारा, बल्ब है, ठीक।
और ये हमारा क्या है, ये फेज है, ये न्यूट्रन है, न्यूट्रलर है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये हमारा फेज वायर है। अब जो हमारा न्यूट्रल और फेज के बीच में रहता है वो कितनी वोल्टेज एसी आती है, और हमारा 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दी जाती है। ओके फ्रेंड, तो जब हम इस सप्लाई को 220 वोल्ट के देते हैं तो हमारा क्या स्विच में यानी कि ये जो हमारा कटआउट फ्यूज होता है इसमें कन्वर्टर का हमारा क्या करता है, स्विच में प्रवाहित होता है। जब स्विच में प्रवाहित होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चलता है, ठीक है। तो आइए इस पांचवे इस परिपथ में देखते हैं क्या चीजें होते हैं, ठीक। तो पहले नंबर इसमें इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत से इक्विपमेंट पाए जाते हैं। क्या इसमें इक्विपमेंट कौन कौन सा है, जैसे परिपथ के चार प्रकार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कितने प्रकार के, चार प्रकार होती है, चार प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं, ठीक है। हमारा पहला जो परिपथ होता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा क्लोज सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, दूसरा को होता है ओपन सर्किट, और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, और चौथा होता है लीकेज सर्किट, ठीक है। आइए फर्स्ट हमारा जो है क्या है, फर्स्ट हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। क्लोज सर्किट माने बोले यानी कि बंद परिपथ, ठीक। फर्स्ट हमारा है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट माने बंद परिपथ, ठीक है। इसके बारे में लिखिए, क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट वह होता है जिस पर परिपथ में मुख्य किसी परिपथ में सुरक्षा युक्ति, नियंत्रक युक्ति, उपभोक्ता में कोई भी युक्ति या एवं चालक में युक्ति लगा हो, तो यानी कि कंडक्टर में युक्ति लगा हो और हमारा कोई उपभोक्ता युक्ति लगा हो, यानी कि कंडक्टर युक्ति लगा हो और हमारा एक जो है उपभोक्ता युक्ति लगा हो, तो ऐसे चालक में अगर लगाया जाए तो उसमें सप्लाई के स्रोत से जोड़ा जाए तब वह क्या कहलाती है, बिल्कुल वह सही रूप से काम देखा जाए तो बहुत सही तरीके से हमारा काम को करे तो क्लोज सर्किट में प्रवाहित होती है। तो इसका सीधा सा डिफिनेशन ये है, जिस परिपथ में सुरक्षा युक्ति, नियंत्रक युक्ति, उपभोक्ता युक्ति एवं चालक युक्ति लगा हो और उस पर सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाए, यानी कि सप्लाई स्रोत से वह क्या करे कनेक्ट हो, तब वह बिल्कुल सही रूप से काम करे तो उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। आप लोग खाई हो पढ़ लो, आप लोग समझ में आ गया होगा क्लोज सर्किट है। फिर से समझ लीजिए, जिस परिपथ में सुरक्षा युक्ति, नियंत्रक युक्ति और उपभोक्ता युक्ति एवं चालक युक्ति लगा हो और जब उसे सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाए तब वह बिल्कुल सही रूप से काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या था, खुला परिपथ, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, जिससे कि दूसरा लिखिए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट वह होता है, ओपन सर्किट के मतलब खुला परिपथ होता है, ठीक है। अब इसे खुला परिपथ में क्या चीज़ें खुला परिपथ रहता है, तो आइए उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट जिस परिपथ में सुरक्षा युक्ति, नियंत्रण युक्ति और क्या इसमें लगा रहता है, सुरक्षा युक्ति, जिस परिपथ में सुरक्षा युक्ति, नियंत्रक युक्ति और उपभोक्ता युक्ति एवं चालक युक्ति लगा हो और जब उसे सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया जाए और वह सही रूप से काम ना करे तो वैसे परिपथ को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कोई भी नियंत्रक युक्ति और उपभोक्ता युक्ति एवं चालक युक्ति लगा हो और जब उसे सप्लाई स्रोत से जोड़ जाए और वह सही रूप से काम ना करे तो उसे हम कहेंगे क्या, ओपन सर्किट, ठीक है, उसे हम ओपन सर्किट कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो आइए नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, अब हमारा क्या रह गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मतलब इसके यह क्या होता है,
जबकि इसकी शॉर्ट सर्किट क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। जिस परिपथ में फेज वायर, क्या फेज और वायर, उसे बोलते हैं फेज वायर और न्यूटन वायर अथवा अर्थिंग वायर के डायरेक्ट संपर्क में आ जाए तो उस परिपथ में फ्यूज क्या करता है, उड़ जाता है। यानी कि देखे होंगे काफ़ी जगहों पर हमारा ट्रांसफार्मर में फ्यूज लगाया जाता है, वह क्या रहता है फेज वायर। यानी कि एक्चुअली में जो हमारे घरों में फ्यूज वगैरह लगाए जाते हैं वह हमारा क्या रहता है, एक होता है फेज वायर और दूसरा होता है न्यूटन वायर और तीसरा अर्थिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। यह हमारा डायरेक्ट संपर्क में आ जाए तो परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है और वह विद्युत धारा का प्रवाहन रोक देता है। तो ऐसे परिपथ को क्या कहेंगे, ऐसे परिपथ को हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे, ठीक। यानी कि शॉर्ट सर्किट उसे कहेंगे जब हमारा परिपथ फेज वायर और न्यूटन वायर अथवा अर्थिंग वायर के डायरेक्ट संपर्क, यानी कि डायरेक्ट संपर्क आए तो वह क्या करता है, परिपथ में फ्यूज जो लगा रहता है वह हमारा उड़ जाता है या कट जाता है। तो ऐसे विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा रुक जाती है तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट, ओके फ्रेंड। तब आइए हमारा नेक्स्ट क्या है, लीकेज सर्किट। क्या हमारा नेक्स्ट लीकेज सर्किट, अब आप लोग बताइए लीकेज सर्किट क्या होता है। जैसे कि नोट करते चलिए, लीकेज सर्किट वह होता है यदि किसी परिपथ में फेज वायर या किसी उपकरण की, यानी कि किसी उपकरण की वायरिंग के या गीले दीवार पर लोहे का पाइप अर्थ लाइन या न्यूट्रल लाइन को स्पर्श क्या करता है, अस्पर्श करता है, तो ऐसे विद्युत धारा का कुछ अंश उपभोक्ता के युक्ति में न पहुंच पाता तो ऐसे परिपथ को हम लीकेज परिपथ कहते हैं। यानी कि किसी परिपथ में फेज वायर एंड किसी उपकरण में टच हुआ हो या उसे या किसी दीवार में लोहे की पाइप से टच हुआ हो, उसमें अर्थिंग आए तो उस अर्थिंग को न्यूट्रल लाइन में अस्पर्श करने पर लगे हो तो विद्युत धारा का वह अंश जो उपभोक्ता युक्त में ना पहुंच पाता हो और ऐसे परिपथ में लीकेज सर्किट कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है, लीकेज सर्किट कहलाती है, ठीक फ्रेंड। तो आइए अब हमारा ये चार पार्ट था जो कि आप लोगों को बता दिए हैं, हाँ ठीक है फ्रेंड। तो चार पार्ट को आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहीं भी किसी भी जगह प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसमें जो है कि हमारा कुछ कहीं भी रहता है शॉर्ट सर्किट में, यानी कि लघु परिपथ में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो कुछ परिभाषाएँ होती है, तो वह क्या रहती है, एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट में आती है, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग दिखाते हैं कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट कैसे स्विच बनता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ का लग रहते हैं, इस तरीके का रहता है, इसे हम क्या बोले, विद्युत स्रोत बोले, क्या इलेक्ट्रिक स्रोत, इसे इलेक्ट्रिक स्रोत बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, आर बोल, ठीक। इस बार आर बोलेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इस भाग को क्या बोलेंगे, कंडक्टर यानी चालक, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक हम लगाएंगे ऑन स्विच, क्या लगाएंगे,
ये हमारा आंशिक है। ठीक है, इस परिपथ में हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई आई मतलब धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसे सर्किट हमारा क्या कर देता है, ऐसे सर्किट हमारा शॉर्ट कर देता है, यानी कि लग परिपथ कर देता है। तो इसमें होने वाले विद्युत धारा जो हमारे दोषयुक्त अवस्था में विभक्त हो जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या रहती है, कोई भी धारा अपने लग परिपथ को अनुसरण करती है या अथवा परिपथ का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है, जिसे लग परिपथ द्वारा जिसे लग परिपथ धारा कहते हैं, और यह अवस्था को दोष युक्ति अवस्था होती है। इसमें बचने वाला परिपथ क्या होता है, फ्यूज होता है, जिसे हम एमसीवी के माध्यम से भी देखने को मिलता है, ठीक है। या क्या करता है, सुरक्षात्मक युक्ति लगाई जाती है जो हमारे इस फेस पर वर्क करता है, ठीक है। अभी हमारा इस अनेक लग पर शॉर्ट सर्किट का ये हमारा डायग्राम है। अब कहते होंगे अब हमारा बंद सर्किट का डायग्राम कैसे होता है, बंद सर्किट का डायग्राम देखिए इस तरीके से होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। अब हम बंद परिपथ के कैसे सर्किट बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमारा बंद परिपथ का डायग्राम इस अवस्था में रहता है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा क्या करता है, धारा को प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक स्रोत, इलेक्ट्रिक स्रोत मतलब कोई भी प्रतिरोध, उष्मा उत्पन्न होती है तो इस अवस्था में परिपथ शक्ति व्यय होती है, ठीक है। और देखा जाए तो अब कहेंगे कि ओपन सर्किट का फिगर कैसे रहता है, इस सिस्टम को हम ऑन अवस्था में रखे हैं, ठीक है। अब इसे हम आप अवस्था में रख देते हैं, यानी कि आप अवस्था में अगर रख देंगे, देखिए ये हमारा आप अवस्था में, तब ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। अगर आप अवस्था में रख देंगे, सॉरी इसे आप अवस्था में कर दूं, आप अवस्था में अगर रखे हैं तो हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम ओपन यानी कि ओपन सर्किट है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसमें कुछ रहता है जो शॉर्ट सर्किट में यानी लग परिपथ में कुछ परेशान यानी कि कुछ नियम या कुछ नियम पाए जाते हैं, जिसे एक बोलते हैं पैरामीटर दूसरा लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट, यानी कि और हमारा दो तरफा सर्किट। तो उस तरीके से इसमें पाए, आइए हम पहला बात करते हैं पैरामीटर। इसमें शॉर्ट सर्किट में पैरामीटर पैरामीटर ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, जब हम परिपथ में जुड़े परिपथ रेजिस्टेंस यानी कि परिपथ में जुड़े रेजिस्टेंस या प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर इत्यादि तत्व क्या कहलाता है, पैरामीटर। यानी कि कोई परिपथ अगर जुड़ा रहे और वह कोई रेजिस्टेंस या प्रेरकत्व तथा कैपेसिटर से यानी कि कोई भी तत्व पैरामीटर से जुड़े हैं तो हमारा तो वही हमारा पैरामीटर कहलाता है। कोई भी तत्व जो हमारा रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व कैपेसिटर से जोड़े जाए तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें लीनियर सर्किट, ठीक है। लीनियर के बोले थे तो क्या कहते हैं, रेखीय परिपथ वह होता है जो इलेक्ट्रिक परिपथ में पैरामीटर स्थिर रहता है, यानी कि पैरामीटर जो होता है हमारा स्थिर रहता है और वह हमें उस रेखीय परिपथ को आकर्षित के रूप में ओम के नियमानुसार किसी चालक भाग में धारा उसके सिरों पर लगाए गए तो विभव अंतर को समानुपाती कहते हैं, और उस परिपथ में
जो हमारा विद्युत परिपथ पैरामीटर से स्थिर रहता है वह हमारा रेखीय परिपथ कहता है, यानी कि लीनियर परिपथ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए से थर्ड हमारा क्या है, अरेखीय परिपथ यानी कि नॉन लीनियर सर्किट। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है रेखीय माने तो नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, अब नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट वह होता है जो विद्युत परिपथ में पैरामीटर के द्वारा धारा या वोल्टेज के साथ साथ बदलते हैं, तो ऐसे आरेखी को आरेखी परिपथ कहते हैं, यानी कि जिसमें परिपथ है विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक परिपथ पैरामीटर या पैरामीटर धारा या वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से क्या करता है साथ साथ बदलता रहता है, उसे हम कहेंगे आरेखी परिपथ। ओके फ्रेंड, तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट क्या होता है, यानी दो तरफा या दो तरफा परिपथ। ठीक है, इसे बोलेंगे बाइलेटरल, बाइलेटरल सर्किट। ठीक है, दो तरफा परिपथ। अब दो तरफा परिपथ कैसे होता है, जब हम परिपथ में जिसके द्वारा जब परिपथ में जिसके द्वारा धारा दोनों तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि धारा दोनों तरफ प्रवाहित होती हो, तब वह हम इलेक्ट्रिक के लाइन में प्रथम सिरे को सप्लाई से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे में क्या करते हैं, दूसरे सिरे में भार से जोड़े जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे दो तरफा परिपथ। ठीक है, तो फ्रेंड ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट के अनुलग परिपथ में ये तीन पर चार प्रकार के अब आइए फ्रेंड हम आपको जो है दो तरफा सर्किट क्या होता है, जो हमारा धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही तरफा परिपथ यानी कि देखा जाए तो कोई विद्युत इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देती है, वह क्या करता है साथ साथ करता है, वह हमारा क्या कहलाता है दो तरफा सर्किट। तो हम अब आइए एक तरफा परिपथ की बात करते हैं, क्या बताइए, एक तरफा यानी कि एक तरफा वह परिपथ होता है जब धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, क्या कहते हैं एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, वह उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक तरफा परिपथ कहते हैं। इसमें एक तरफा परिपथ कहलाता है जो हमारे परिपथ के एक डायोड पर लगा होता है, जैसे परिपथ में यदि एक डायोड लगाया जाए या लगा हो तो जब डायोड को एनोड की सप्लाई का धनात्मक सिरा जोड़ा जाएगा तब वह क्या करता है, तब वह परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी हमारा क्या कहते हैं, और जब एक ही धारा प्रवाहित है, एक ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तब यह एक ही तरफा कहलाती है। ठीक है, उसमें क्या रहती है एनोड से सप्लाई किसमें दिया जाता है, धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, वह धारा प्रवाहित यानी कि उसे हम धारा प्रवाहित देते हैं, तब हमारा वह क्या कहलाता है एक तरफा परिपथ कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, अब उसके आगे हमारा क्या है दृश्य धारा श्रेणी परिपथ यानी कि डीसी सीरीज सर्किट। डीसी सीरीज सर्किट लिखते चलिए, श्रेणी परिपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीसी सीरीज सर्किट। सर्किट क्या होता है, डीसी सीरीज सर्किट जैसे मान लीजिए हम एक फिगर के अनुसार आप लोगों को समझाते हैं कि डीसी सीरीज सर्किट श्रेणीकरण कैसे होते हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट के बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं एक फिगर के अनुसार कि सीरीज सर्किट का फिगर कैसे बनता है श्रेणीकरण। ठीक है,
ठीक। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या कर रहे हैं, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, ठीक है, ये हमारा चार एग्जांपल है। ठीक है, तो हम क्या है b1 b2 b3 b4 कर देंगे। ठीक है, और b1 इसके बीच क्या है, इसके बीच हम b1 करेंगे, देखते नोट करते चलिएगा। अब इस तरीके से क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर हम दिए हैं ये डीसी सर्किट को, अब इसे हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को देखिए किससे किससे कर रहे हैं, डीसी सर्किट को, डीसी सर्किट को हम इसे वोल्टेज वी से कर देते हैं। इस तरीके का हमारा फिगर बनेगा, क्या इसमें धारा प्रवाहित करेगा, धारा प्रवाहित कैसे करें, ठीक, इस तरीके से हमारा प्रवाहित करेगा, और हमारा फिगर जो हमारा डीसी सीरीज सर्किट को डीसी श्रेणी क्रम श्रेणी सर्किट ऐसे फिगर बनता है। ठीक है, तो हम एक इसका है, यह हमारा डीसी श्रेणी क्रम सर्किट का फिगर है। ठीक है फ्रेंड, अब बी क्या है हमारा, बी हमारा प्रयुक्त वोल्टेज है, और हमारा आई क्या है, आई हमारा परिपथ में प्रवाहित धारा है, यानी कि कुल धारा, बी क्या है, बी हमारा है प्रयुक्त, बी हमारा क्या है प्रयुक्त वोल्टता, और आई हमारा क्या है, आई हमारा वह है जो हमारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हमारा आई है। अब इसे हम कहेंगे, और हमारा tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, ये हमारा क्या है, यह हमारा एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसे हम कहें विभिन्न प्रतिरोध, ये हमारा क्या है, यह हमारा विभिन्न प्रतिरोध है। ठीक है फ्रेंड, यह हमारा विभिन्न प्रतिरोध है, और V1, V2 एंड V4 क्या है, जैसे V4, यह हमारा V1, V2 और V4 क्या है, यह हमारा विभिन्न प्रतिरोध के वोल्टता पात क्या है, ओम, यह हमारा वोल्टता पात ओम है। ठीक है फ्रेंड, अब आई होप आप लोग समझ में आई गए, I1, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, ये हमारा विभिन्न क्या होता है, विभिन्न प्रकार बिटवीन प्रकार के प्रतिरोध है। ठीक है, और V1, V2, V3 तथा V4 ये हमारा वोल्टता पात ओम है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस किस नियम पर आधारित होता है, जैसे पूछ लिया कि हमारा V1, V2, V3 तथा V4 वोल्टता पात है, तो किस पर नियम पर आधारित होता है, या ओम के नियम पर आधारित होता है, किस नियम पर, ओम के नियम पर आधारित होता है, V1, V2, V3, V4। ठीक है फ्रेंड, अब आइए नेक्स्ट इसे पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हमारा IR होता है, जो हमारा दर्शाता है क्या, तो आइए इस फंक्शन में देख लेते हैं,
बी इक्वल टू आई आर होता है। अब वी वी वन क्या है हमारा, वी वन फंक्शन देखते हैं तो क्या हुआ, आई आर का वन और वी टू का वन इक्वल टू आई आर टू। ठीक है, अब हम वी वन इक्वल टू क्या कर देंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, तब हम इसको सॉल्व करने के लिए आई आर वन, अब आई आर वन और वी टू और क्या हो जाएगा, वी वी टू इक्वल टू क्या होता है, आई आर टू। ठीक, वी वन फंक्शन में। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे क्या, अब ऐसे हम वी थ्री के बाद वी थ्री फंक्शन निकाल, वी थ्री निकालने के लिए क्या, अब निकालिए आप लोग वी थ्री के, वी थ्री इक्वल टू क्या, इसका निकाल जैसे हम निकाले हैं वी वन इक्वल टू आई आर वन और वी टू वी टू इक्वल टू आई आर टू, ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और वहाँ टाल ऐसे निकालिए कैसे हुआ टाल मान निकालने के लिए, तब क्या करेंगे आई आर टू यानी कि आई आर टू वी फोर यानी कि आई आर टू और वी वी क्या है वी टू इसे हम फोर कर देंगे। ठीक है, आई आई आर टू कॉमा वी फोर और हमारा ये फंक्शन क्या है, ये हमारा किस फंक्शन में आ गया आई आर फोर। ठीक है, ये हमारा वी थ्री का निकल कर आ। ठीक, अब ऐसे हम निकालेंगे किसे, और आई आर को निकालने के लिए तो क्या करेंगे, आई आर इक्वल टू आई आर वन आई आर प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर, आई आर निकालिए आई आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आई आर निकालने के लिए एक मिनट, आई आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आई आर निकालने के लिए सर्वप्रथम आई आर वन क्या करेंगे, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर। ठीक है, ये हमारा आई आर निकल गया। ठीक, इस फंक्शन में आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर। ठीक है, अब हम पूरा टोटल निकालने के क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस के बेस पर यानी प्रतिरोध के बेस क्या आ जाएगा, तब हम निकालेंगे इस फंक्शन में, तब इस फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुछ नहीं करेंगे किस बेस में क्या कर रहे हैं, आर के बेस, आर इक्वल टू टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री टाउ फोर। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया। ठीक, ये हमारा पॉइंट थ्री। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका आने की डीसी सीरीज सर्किट के बारे में आप लोग बता भी दिए और फिगर भी समझा दिए और हमारा ये आने को उनके नियम पर कैसे सॉल्व करते हैं और आप लोग वोल्टेज और आई भी सॉल्व कर दिए। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आइए आज ये हमारा सेशन समाप्त होता है, कल के लिए हम पढ़ेंगे क्या, कल के लिए हम पढ़ेंगे डीसी सीरीज के बारे में बताएं, अब कल के लिए हम पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में। ठीक है, तो कल के लिए हम पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ पार्ट भी होते हैं जैसे कि श्रेणी परिपथ में निम्न निष्कर्ष भी निकल रहे, जैसे हम कहते हैं सही प्रतिरोध में धारा समान प्रवाहित होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ए टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री टाउ फोर है इसमें क्या है हमारा धारा समान है। ठीक है, उस तरीके से बहुत से विभिन्न प्रकार के धारा समान प्रवाहित की जाती है। तो आज यही हमारा सेशन समाप्त होता है और कल ये नेक्स्ट पढ़ाएंगे डीसी पैरेलल सर्किट, डीसी पैरेलल मतलब दृश्य धारा समांतर परिपथ, क्या पढ़ाएंगे सीरीज पढ़ाए थे, आज हमारा सीरीज हुआ पर अब कल पढ़ाएंगे हम पैरेलल। पैरेलल डीसी पैरेलल सर्किट। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आज टॉपिक यही समाप्त होता है, कल के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे डीसी पैरेलल सर्किट। ओके फ्रेंड, थैंक यू।